क्या आप मैगी खाते हैं? अगर खाते हैं तो आज से जान लीजिए कि आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, आप बच्चे ही हैं। क्योंकि बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सीना ठोक कर ट्विटर पर ऐलान कर दिया है कि आमतौर पर बच्चे ही मैगी खाना पसंद करते हैं। अब इनके हिसाब से तो हर मैगी खाने वाला बच्चा ही हुआ, ये मैगी की खासियत बता रहे हैं। इन्हीं के नेता नरोत्तम मिश्रा पिछले दिनों बिकनी की खासियत बता रहे थे। इन्हीं के एक नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गौमूत्र के फायदे गिना रही थीं। हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अपराध और विकास की बात करने की जरूरत नहीं है, सबके सब मैगी, बिकनी, प्यार और रिश्ते नाते पर बात करने के एक्सपर्ट हो गए हैं। इनसे विकास की बात छोड़कर और जितनी बात करनी है सब करवा लीजिए, इस पर घंटों बहस कर लेंगे। इस पर बात करने के लिए समय भी है और विशेषज्ञता भी, लेकिन जब कोई असल मुद्दों की बात करेगा तो इनकी जुबान सिल जाएगी, मुंह बंद हो जाएगा और दिन में तारे दिखने लगेंगे। हुआ ये कि 19 दिसंबर को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ कानपुर के एक दुकान में मैगी खाई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। अब मैगी पर ही बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने विशेषता हासिल कर रखी है तो सोचा ये ज्ञान कब काम आएगा। अखिलेश की मैगी खाते हुए तस्वीर और एक तस्वीर जिसमें मैगी के बारे में चार बातें लिखी थी, वो कहीं से उठाई और दे मारा ट्वीट। अब पता चला छोटे नेता को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि बबुआ अभी तक मैगी खाता है। ट्वीट करना था कि नीचे कमेंट बॉक्स में उनके ज्ञान का लोगों ने पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। पहले तो शिवपाल समाजवादी नाम के एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, ये पढ़ लो शुक्ला, फिर कहते हो लोग गालियां देते हैं, और उत्तर प्रदेश डॉट ऑर्गेनाइजेशन न्यूज का ट्वीट लगा दिया जिसमें खबर की पूरी पड़ताल थी। इस ट्वीट में लिखा था, अखिलेश यादव ने कानपुर से वापसी के दौरान आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी के आग्रह पर गंगा बैराज स्थित मनोज निषाद की मैगी की दुकान पर रुक कर खाई मैगी, हालचाल जाना, साथ में विधायक छावनी मोहम्मद हसन रूमी, अतुल प्रधान, सतीश निगम रहे मौजूद। लोगों ने तो मुद्दे से हटकर बात करने पर प्रवक्ता की खिंचाई भी शुरू कर दी, और पाठक अजय नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, अपने नेता से पूछना प्रवक्ता जी, सैकड़ों वायरल स्क्रीनशॉट और 168 प्लस अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी, 30 से ज्यादा सेंटर धांधली में लिप्त पाए जाने के बाद भी दरोगा भर्ती निष्पक्ष कैसे हुई, और पेपर का एक कटिंग लगा दिया जिसमें ये खबर छपी थी। पत्रकार श्रेयांश त्रिपाठी ने कमेंट किया कि राकेश जी, आप अटल जी के दल के नेता हैं, अटल जी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, ये सब छोटे बयान हैं। मैगी खाना या ना खाना क्या राजनीति का निर्धारण करता है? क्या आप इस बात को दावे से कह सकते हैं कि आपके बड़े नेता मैगी नहीं खाते? इतनी फजीहत कम थी क्या जो एक अभी शुक्ला नाम के ट्विटर हैंडल ने गंभीर बात लिखते हुए शिक्षा पर ध्यान दिलाया और लिखा, क्या बात है सर, मैगी पर भी टिप्पणी, क्या सर आप शिक्षा माफियाओं के बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगे जो पैसे के लिए गरीब छात्रों के भविष्य तक दाव पर लगा देते हैं, अपराधी होने के बावजूद कुर्सी पर मौज से बैठे हैं, छात्रों से भिखारी और किराना स्टोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये शोभा नहीं देता। रही सही कसर जयराम पांडे ने पूरी कर दी और पीएम मोदी की एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, त्रिपाठी तुम्हारी कुंठित मानसिकता है, मेरे नेता में सरलता है, उदारता है, अपनापन है, ठेला वाले, छोटी दुकान वाले, भुट्टा वाला हो या उनका हाल जानने के लिए उनसे मिलने के लिए रुकते हैं, तुम्हारे नेता की तरह फर्जी भाषणबाजी नहीं की, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इधर देख अपने नेता को। आखिर में अमन द्विवेदी नाम के ट्विटर हैंडल ने एक सलाह देते हुए लिखा कि बड़े भाई, जब मैगी इतनी नुकसानदायक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश की सरकार बैन क्यों नहीं लगवा रही है, लोगों की जिंदगी से क्यों खेल रही है सरकार, जबकि आप लोग तो जनता के सच्चे सेवक हैं, या फिर जो फोटो लगाया है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है। अपने ट्विटर पर राकेश त्रिपाठी को इन जवाबों को जानकर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि जनता अब मूर्ख बनने वाली नहीं है, उन्हें जैसा चाहेंगे वैसा नहीं पढ़ाया जाएगा, अब जनता को सब समझ में आता है और वे मुद्दे की बात करना चाहते हैं,
खैर, आप राकेश त्रिपाठी के इस मैगी वाले ट्वीट पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।